हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ प्रियांशु को छोड़ने के लिए, क्योंकि आगे में आएगा ऑटो। तो मैं और प्रियांशु जा रहे हैं, तो वहाँ पे ना 3-4 बच्चे और मिल गए हमें, तो सब साथ में ये लोग मिल के जाएंगे। तो मेरे को भी मतलब उन्होंने फ़ोन किया था कि साथ में प्रियांशु को भी भेज दो, तो वहीं पर लेके जा रही हूँ। अगर मेरे लिए भी जगह होगी तो स्कूल तक मैं भी जाऊँगी। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में तिनाली में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग किनारे में पहुंच चुके हैं और अभी ना सारी दुकानें बंद हैं, तो हमको ना इस तरफ के लिए जाना है और आगे में आएगा ऑटो। हाँ, दे दो उसको, क्योंकि हमको ना संडे मार्केट के बगल में ही मतलब ऑटो आएगा, तो ऑटो से वहाँ पे जाना है। और अभी सुबह का टाइम है तो पूरा दुकानें बंद है, मतलब 9-10 बजे के करीब ना दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। और थोड़े दूर जाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे आना था ना ऑटो, लेकिन पहले से हमने बात नहीं कर रखी थी, तो उस चक्कर में हमें थोड़ा इधर आना पड़ेगा। तो अभी हम सुंदरपुर में पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ऑटो का वेट कर रही हूँ। और मैं प्रियांशु को बोला थोड़ा अपने दोस्त को फ़ोन कर कि कब तक ऑटो आएगा, तो देखते हैं कितने बजे तक ऑटो आता है। अभी हम लोग लीचूबाड़ी रोड में चल रहे हैं और इधर से शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, तो इसी चक्कर में हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं। ये गांव से होते हुए जाएगा। और इधर से हमने अभी लेफ्ट ले लिया है, तो इधर से आगे ना गांव पड़ता है, इसी रास्ते से होके हम जा रहे हैं। यहाँ से आगे बहुत ही शानदार टी गार्डन है, ये देख लीजिएगा, गांव के बीच बीच में है ये। और यहाँ पे ये छोटे छोटे से घर भी बने हुए हैं, जो कि काफी शानदार लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे है बहुत बड़ा सा ग्राउंड। आजकल ना टी गार्डन की छटाई हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, तो इस तरह से ये छटाई हो चुकी, तो अभी नए पत्ते निकलेंगे। और पहुंच चुके हैं हम लोग स्कूल की रोड में, यहीं से उतर जाएंगे ना दीदी, और यहाँ पे उतर जाएंगे। तो हमारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं सारे बोर्ड के परीक्षार्थी, और इस ऑटो में आए हैं हम लोग। तो चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान से पेपर दीजिएगा। आ जाओ आ जाओ आओ, कहाँ हो? चलिए। तो ये 3-4-5 बच्चे हैं जो कि ऑटो में आए हैं। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। और दीदी और दूसरी दीदी, हम लोग सब आए हुए हैं और आज हम ऑटो से आए बच्चों को छोड़ने के लिए। हेलो प्रतीक्षा। हेलो आंटी, आज फर्स्ट पेपर है ना? जी आंटी। और अफसाना अफसाना का सेकंड पेपर है ना? हैं प्रियांशु के फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट बच्चों। और यहाँ पे ना कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं।
अभी हम लोगों के बच्चे मतलब एग्जाम देने के लिए चले गए हैं, हम उनको स्कूल तक छोड़ के आ गए हैं और उनका एग्जाम शुरू हो गया है। और अभी दीदी और दोनों दीदी हम लोग अभी इधर ही मतलब थोड़ा देर उनका वेट करेंगे। और यहाँ पे लगा हुआ है मीट का दुकान और इस तरफ के लिए भी छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं। और हम लोग सोच रहे हैं इधर में थोड़ी देर घूम लेते हैं। और यहाँ पे बना हुआ है प्यारा सा मंदिर शिव भगवान का, कृष्ण का। अच्छा, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर शानदार तरीके से बना हुआ है। तो चलिए तो अभी ना एक बज चुका है और 1:30 बजे आधा घंटा और है बच्चों का छुट्टी होने के लिए। तो हम जा रहे हैं फिर स्कूल के पास में बच्चों को पिकअप करने के लिए। और आज तो मौसम काफी शानदार है, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, क्या धूप नहीं है और इतना ठंडा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और अभी पेरेंट्स लोग भी आने बैठ गए हैं बच्चों को लेने के लिए और अभी हम भी जा रहे हैं। अभी तक हम लोग वहाँ पे दुकान में बैठे हुए थे, थोड़ी देर ऐसे गांव में घूम के आए फिर दुकान में बैठ गए और अभी घर जाने का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड स्कूल से घर में आ चुकी हूँ और अभी ना 2:15 हो गया है और तिनाली में हस्बैंड साहब मिल गए थे तो उनके साथ ही हम लोग स्कूटी में आ गए हैं। ऑटो वाले ने वहाँ पे छोड़ा तो वहाँ से फिर हम स्कूटी में आ गए हैं। और अभी ना खाना बनाना है, सुबह ना खाली प्रियांशु के लिए रोटी और पनीर बनाया था तो अभी मेरे को दाल चावल भी बनाना है। तो चलते हैं फटाफट खाना पीना बना लेते हैं।